हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी तो आई होप आपने वो सब फील कर लिया होगा। तो आप देखिए बेटा, आपने उसमें से कितने सही किए होंगे। जो हमारा फर्स्ट फ्लावर था उसका नाम था रोज़, ROSE, रोज़। जो सेकंड फ्लावर था उसका नाम था मैरीगोल्ड, MARIGOLD। जो थर्ड फ्लावर था उसका नाम था हिबिकस, HIBISCUS। अगला था हमारा पैंसी, PANSY। अगला था बेटा हमारा टूलिप, TULIP। अगला था हमारा जैस्माइन, JASMINE। एक था हमारा सनफ्लावर, SUNFLOWER। एक हमारा था लोटस, LOTUS। एक फ्लावर था बेटा हमारा लीली, LILY। एक फ्लावर था हमारा डेजी, DAISY, डेजी। एक फ्लावर था बेटा हमारा ऑर्चिड, ORCHID। एक फ्लावर था हमारा रजनीगंधा, RAJNIGANDHA। आगे एक फ्लावर था हमारा लेवेंडर, LAVENDER। एक फ्लावर था हमारा रोजमेरी, ROSEMARY। एक फ्लावर था हमारा डैफोडिल, DAFFODIL। अब आपको चेक करना है बेटा आपने इसमें से कितने सही बनाए थे। अब देखिए हम आगे आज करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का लेसन 8, रिक्की टिक्की। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा, इसको हम बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। देखिए, रिक्की टिक्की वॉज अ मोनगूस। जो रिक्की टिक्की थे वो क्या था, जो रिक्की टिक्की था वो एक मोनगूस था। मोनगूस मतलब एक नेवला था वो। आगे देखिए बेटा, ही हैड इज कैट लाइक बॉडी एंड अ वेसल लाइक हैड। जो उसका शरीर था वो तो एक बड़ी बिल्ली जैसा था और वेसल लाइक हैड था, हैड यानी उसका सिर था। इज आइज एंड द एंड ऑफ इज रेस्टलेस नोस वर पिंक। जो उसकी आँखें थी और जो बची हुई नीचे की तरफ की जो नाक थी वो कैसी थी, बिल्कुल ही पिंक थी, गुलाबी रंग की थी। ही कुड स्ट्रेच हिमसेल्फ एनी वेयर ही प्लेज्ड विद एनी लेग फ्रंट ऑन हाई हिंड वेन एवर ही चूज टू यूज। जो उसकी बॉडी थी, जो नेवले की बॉडी होती है वो बड़ी क्या थी, फ्लेक्सीबल थी, लचीली थी। वो चाहे उनको आगे पीछे, अपने जो लेग्स थे उनको आगे पीछे ईजीली कर सकता था, मीन्स मरोड़ तरोड़ सकता था, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी। इज वोर क्राय एंड ही शटल्ड थ्रो द लॉन्ग ग्रास वॉज रिक्की टिक्की 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 टिक। अब क्या होता है, जब भी जो नेवले चलते हैं ना घास में, जब वो चलता था तो किस तरीके की आवाज़ आती थी, रिक टिक टिक्की टिक्की टिक, इस तरीके की। वहाँ पर नेवला जब जाता है कहीं से घास में से, इस तरीके की कुछ साउंड होती है। नथिंग फ्राइटेंड हिम, और वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। जो नेवले होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होते हैं, नीडर होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। एक्चुअली इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मोनगूस बिकॉज ही इज़ फिल्ड विद क्यूरियसिटी। जो नेवले होते हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं। पहली बात तो उन्हें किसी चीज़ से बिल्कुल डर नहीं लगता, और क्या होता है, उनके अंदर क्यूरियसिटी बहुत होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा बहुत होती है, कोई भी चीज़ को वो जानने की इच्छा रखते हैं। आगे देखिए, द मोटो ऑफ ऑल द मोनगूस इज रन एंड फाइंड आउट एंड रिक्की टिक्की वॉज अ ट्रू मोनगूस। जो मोनगूस होते हैं, जो नेवले होते हैं ना, वो भागते रहते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, मीन्स उन्हें खोजबीन करते रहना बहुत ही अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों को जानना। और रिक्की टिक्की भी इसी तरीके का एक क्या था, ट्रू मोनगूस था, एक सच्चा नेवला था। मतलब उसमें भी इसी तरीके की आदतें थी जैसे बाकी सब मोनगूस में होती हैं, नेवलों में होती है। रिक्की टिक्की हैज़ जस्ट स्टार्टेड लिविंग विद द फैमिली एज देयर पेट एंड लव्ड प्लेइंग इन देयर गार्डन। रिक्की टिक्की जब छोटा था तो वो क्या था, वो पेट की तरह ही रहता था, पालतू जानवर रहते हैं ना, वो उसी तरीके से रहता था एक फैमिली के साथ में, और उनके साथ खेलता रहता था। वन डे व्हेन ही वॉज इन द गार्डन ही हर्ड
सोरोफुल वॉइसिस इन बुश। एक दिन क्या हुआ, उसने बुश में से उसे एक सोरोफुल वॉइस आई, एक आवाज़ आई। इट वॉज डेजी, वो एक डेजी थी। द टेलर बर्ड, एक डेजी था जिसका ना टेलर बर्ड था वो, और एंड इज वाइफ, और उसके साथ कौन थी, उसकी वाइफ थी, पत्नी थी। वो उनसे जाकर पूछता है, व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड रिकी टिकी। रिकी टिकी ने कहा कि क्या मैटर है, क्योंकि वो जो वाइफ होती है उसकी और वो जो डेजी बर्ड होता है वो रो रहे होते हैं। तो वो उनसे आके पूछता है, क्या बात है, क्या मैटर है। वी आर वेरी मर्सीबल, से डेजी, अवर बेबी फेल आउट ऑफ अवर नेस्ट एंड नाग एट हिम। उन्होंने कहा कि जो हमारा बेबी था, जो बच्चा था, वो हमारे नेस्ट से, हमारे घोंसले से नीचे गिर गया था, और जो नाग था उसने क्या किया, हमारे बेबी को खा लिया। डैट इज़ वेरी सैड, सेड रिकी टिकी। रिकी टिकी ने क्या कहा कि ये तो बहुत दुख की बात है, बट आई एम न्यू हेयर, लेकिन मैं हेयर, मैं यहाँ पर क्या हूँ, नया हूँ। हु इज़ नाग, नाग है कौन। सडनली फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ द बुश देयर केम अ लो हिस। अचानक से एक आवाज़ आती है, और किस तरीके की साउंड होती है, हिस। और हमें पता है ये साउंड किसकी होती है बेटा, स्नेक की होती है। इट मीन्स बुश के पीछे कौन था, एक नाग ही था, एक स्नेक ही था। आगे देखिए, और आपको पता होना चाहिए जो नावला, जो नेवला होता है और जो सांप होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुश्मन होते हैं आपस में। और जो जो नेवला होता है ना, वो ज़्यादा ताकतवर होता है, किसकी अपेक्षा, स्नेक की अपेक्षा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। आगे देखिए, then out of the grass rose up the spread hood of nag, the big black cobra। उसने क्या देखा कि वहाँ पर क्या था, एक बहुत ही बड़ा ब्लैक कोबरा था। ब्लैक कलर का मीन्स सांप था। he was 5 feet long from tongue to tail। वो 5 feet लंबा था अपनी जीभ से लेकर पूंछ तक। he looked at रिकी टिक्की with wicked snake's eyes। उसने क्या हुआ, घूर कर उसने रिकी टिक्की को देखा, क्योंकि वो रिकी टिक्की को डराना चाहता था। वैसे तो वो रिकी टिक्की से खुद डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि जो रिकी टिक्की है वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, वो मुझे मार सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे डरा रहा था। उसने रिकी टिक्की को क्या कहा, आई एम नाग, लुक एंड बी अफ्रेड। वो कहता है, मैं नाग हूँ, मुझसे डरो। रिकी टिक्की वॉज अफ्रेड फॉर अ मिनट। वो एक मिनट के लिए तो उससे डर गया। बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन गोस टू स्टे फ्राइटेंड फॉर लॉन्ग। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, हम नेवले को ज़्यादा टाइम तक नहीं डरा सकते, क्योंकि जो मोनगूज होता है, मीन्स नेवला होता है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। ही हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर, क्योंकि वो पहले कभी भी वो किसी कोबरा से नहीं मिला था, सांप से नहीं मिला था। बट ही न्यू डैट अ ग्रोन मोनगूज बिजनेस इन लाइफ विद टू फाइट एंड एट स्नेक। लेकिन हमें पता है कि अगर जब भी लड़ाई होती है नेवले की और सांप की, तो जो नेवला होता है वो क्या करता है, वो सांप को खा जाता है। नाग न्यू डैट टू एंड इन इज हर्ट ही वॉज अफ्रेड। नाग ये बात जानता था कि जो रिकी टिक्की है वो उसे मार सकता है, खा सकता है। नाग उससे डरा हुआ था, लेकिन वो रिकी टिक्की को डराने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए बेटा, वेल सेड रिकी टिक्की, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लीडिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट। रिकी टिक्की उससे क्या कहता है कि क्या तुम्हें ये सही लगता है, तुमने उसे खा लिया और वो नीचे गिर गया था। नाग न्यू डैट मोन गोज इन द गार्डन मीन डेथ फॉर हीम एंड इज फैमिली, बट ही वॉन्टेड टू थ्रो रिकी टिक्की ऑफ हिज गार्ड, सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटल। यू एट एग्स, वो क्या कहता है, वो जब उसको कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, और वो भी नाग कहता है, क्या तुम भी तो खाते हो कुछ चीज़ें, क्या तुम अंडे नहीं खाते। ही सैड, नाग ने कहा, वाई शुड नॉट आई ईट बर्ड्स, अगर तुम अंडे खा सकते हो तो मैं बर्ड्स को क्यों नहीं खा सकता। लुक बिहाइंड यू सेइंग डेजी, एकदम से वो जो डेजी बर्ड था उसने कहा, अपने पीछे देखो, रिकी टिक्की को कहा। रिकी टिक्की नो बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टेयरिंग। अब रिकी टिक्की ने बिल्कुल भी क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। ही जंप्ड अप हाई इन द एयर एंड जस्ट अंडर इज विज्ड बाय द हेड ऑफ नागिना, नाग्स विक्ड वाइफ। अब क्या हुआ था, वो तो बहुत होशियार था रिकी टिक्की, उसको पता था कि इतना टाइम है ही नहीं, अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई है। उसने क्या किया, उसने बड़ी ही समझदारी से काम किया, उसने एकदम से जंप लगाई, और वो किसके पीछे खड़ा हो गया, नागिन के पीछे खड़ा हो गया, जो उस नाग
उसकी क्या थी, वाइफ थी। शी हैड क्रिप्ट अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू किल हिम। वो उसे कहने लगे, बातें करने लगे कि इसको मार दो। ही हियर्ड हर सेवरेज हिस एंड द स्ट्रोक मिक्सड। लेकिन क्या हुआ, वो बच गया, वो नागिन के जो फन थे उनसे बच गया। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक। वो उसके एकदम से पीछे आ गया। एंड टाइम टू ब्रेक हर बैक विद वन बाइट। और वो उस एक ही बाइट ले पाया, मीन्स वो अच्छे तरीके से उनको नहीं काट पाया, लेकिन उसने नागिन को थोड़ा काट लिया। ही बीट इन डीड बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ एंड जंप्ड अवे लीविंग नगीना एंग्री। वो नागिन को अच्छे से तो नहीं मार सका, लेकिन उसने उसको काट ज़रूर लिया था, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं था, रिक्की टिक्की छोटा ही था। विग्ड डेजी सेड नैग लैशिंग अप एट द नेस्ट बट इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच। रिक्की टिक्की फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट। व्हेन अ मैन गूज आइज ग्रो रेड इट मीन्स ही इज एंग्री एंड ही लुक्ड ऑल अराउंड हिम बट नाग एंड नागिना इज डिसअपेयर्ड इन टू द ग्रास। अब उसने उन्हें चोट तो पहुँचा दी थी रिक्की टिक्की ने, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाया था। उसने नाग को समझाया था, लेकिन नाग नहीं माना, और उसे नाग की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने जो डेजी बर्ड थे उसके बेबी को मार दिया था, खा दिया था। अब उसने उसको कोशिश तो बहुत की नाग को मारने की, लेकिन जो नागिन थी वो घायल तो हो गई, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। और जब भी किसी नेवले की आंखें रेड हो जाती हैं ना, इट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो रिक्की टिक्की को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। अगर उस टाइम नाग या नागिन उसके सामने होते तो वो उनको मार देता, लेकिन जो नाग नागिन थे वो वहाँ से गायब हो गए थे, क्योंकि वो उससे डर गए थे और वो डिसअपेयर्ड हो गए थे और वो वहाँ से भाग गए थे। आगे से अगर कभी भी उसको नाग और नागिन मिलेंगे तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आई होप बेटा आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से रीड करनी है। अच्छे से रीड करेंगे, अच्छी अच्छी रीड करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।